एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल सामने आ जाता है कि फिर रेकी इंडिया में पहुंची कैसे? क्या वो जापान से ओरिजिनल तरीके से पहुंची या अमेरिका से टकाटा वालों के पंथ के द्वारा पहुंची? इसके लिए हमें थोड़ा सा राजकीय इतिहास देखना पड़ेगा। दूसरे विश्व महायुद्ध में हमने देखा कि अमेरिकन लोग जापानी लोगों का इतना तिरस्कार करते थे, इतनी नफरत करते थे कि उन्होंने युद्ध खत्म होने के बावजूद भी हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अणुबॉम्ब फेंके ताकि जापान संपूर्णतः तहस नहस हो जाए। और ऐसी हालत में टकाटा उसी वाले लोग अमेरिका में रेकी का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। इसके लिए उन लोगों ने ये बताना शुरू कर दिया कि भई ये डॉक्टर मिकाओ उसुई ये क्रिश्चियन पादरी थे और वहाँ पर यानी कि जापान में प्रचार प्रसार करना चाहते थे, और ये जो हीलिंग पावर्स उनके पास आई वो सभी यीशु मसीह के द्वारा आई या क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हुए आई। लेकिन वास्तविक रूप में 1920 की कालावधि को अगर हमने देखा तो जापान संपूर्णतः एक बौद्ध राष्ट्र था, तभी भी था और अभी भी है। अभी भी थोड़ा सा दूसरे धर्मों का प्रचार प्रसार तो हुआ है, लेकिन 1920 में 100% 100% वो एक बुद्धिस्ट राष्ट्र था। और जैसे कि हमने इससे पहले भी चर्चा की, डॉक्टर मिकाओ उसुई ने अलग अलग धर्मों का अध्ययन जरूर किया, लेकिन अंतिमतः रेकी का शोध उन्हें लगा कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के बाद। अब मामला यूं आता है कि रेकी भारत में कैसे पहुंची। विश्व युद्ध के बाद इस विश्व में दो महासत्ताओं का निर्माण हुआ, एक था अमेरिका और दूसरा था रशिया, यूएसएसआर, और यहां पर यूएसए। यूएसए के साथ में कुछ मित्र राष्ट्र और यूएसएसआर के साथ में कुछ मित्र राष्ट्र, ऐसे संपूर्ण विश्व का दो ताकतों के साथ में विभाजन हुआ। करते 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 वक्त वो आ पहुंचा जब मिखाइल गोर्बाचेव रशिया के राष्ट्राध्यक्ष बने। करीब करीब 1985 80 85 का वो कालावधि, उसके दरमियान राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने एक अभियान चलाया जिसको नाम दिया गया पेरेस्ट्रॉय का एंड ग्लासनोस्ट, यानी कि ग्लोबलाइजेशन और उदारीकरण। इसके तहत रशिया के हिस्से हो गए। इसके तहत रशिया जो अब तक एक आयरन कंट्री था वो अब बिखरने का काम शुरू हुआ, जिसके कारण 1985 के बाद संपूर्ण विश्व में अमेरिका एक बहुत बड़ी महासत्ता के रूप में उभर कर आने लगा। तब तक बहुत ज्यादा तंत्रज्ञानिक बदलाव भी आ गए थे। अब अमेरिकन कल्चर, अमेरिकन गाने, अमेरिकन जो जो चीजें अमेरिकन थी वो संपूर्ण विश्व में उसका प्रचार प्रसार होने का काम शुरू हुआ। संपूर्ण विश्व के लोग अमेरिका की तरफ दौड़ने लगे क्योंकि हर किसी को अमेरिका या धरती का स्वर्ग मालूम होने लगा। थोड़ा सा विषयांतर करके अगर हमने देखा तो 85 के दरमियान आई हुई इंडियन फिल्मों को भी अगर हमने देखा, डिस्को डांसर, उस जमाने की फिल्मों को अगर हमने देखा तो पता चलता है कि वो म्यूजिक भी सही सही जैसे के तैसे अमेरिकन पॉप कल्चर से उसको उठाया गया था। यहाँ तक के हीरो के डांस करते वक्त के ड्रेसेस, सफेद रंग के ड्रेस मिथुनदा के, वो भी एल्विस प्रिस्टले के जैसे। उसके बाद में एल्विस प्रिस्टले का, या उससे पहले एल्विस प्रिस्टले की हेयर स्टाइल अमिताभ बच्चन जी ने जो एक्सेप्ट की, उसके बाद में संपूर्ण भारत भर में अमिताभ बच्चन जी के द्वारा हेयर स्टाइल का प्रचार प्रसार हुआ। उनकी बेल बॉटम, अमेरिकन स्टाइल बेल बॉटम का प्रचार प्रसार उन्हीं के द्वारा, फिल्मों के द्वारा हुआ। खैर बहरहाल, तो ये रेकी अमेरिका में तब तक अपनी जड़ें जमा चुकी थी, और 85 के बाद में रेकी अमेरिका से होते हुए इंडिया में आई, और जिसके कारण लोगों को ऐसा लगने लगा कि रेकी 1 2 3
मास्टर्स, ग्रैंड मास्टर्स, उसके अंदर भी लोगों ने और ज्यादा ये भेद कर दिया, मास्टर ए, मास्टर बी, मास्टर सी, ग्रैंड मास्टर लेवल ए, ग्रैंड मास्टर लेवल बी, संपूर्णतः बकवास। और इन लोगों ने अंधाधुंध पैसा कमाने का काम शुरू किया। लेकिन ओरिजिनल तरीके की रेकी जो है वहां पर बहुत सात्विक ढंग से लोगों को बताया जाता है कि यह ब्रह्मांड की ऊर्जा है। अट्यूनमेंट के द्वारा जब भी रेकी एक्टिवेट होती है वो 100% एक्टिवेट होती है। रेकी एक्टिवेट होने के बाद और अमुक लेवल तक, हम लेवल यानी अमुक दिनों तक खुद के लिए रेकी लेने के बाद ये हमारे अंदर रजिस्टर हो जाती है और उसके बाद में हम किसी को भी रेकी दे सकते हैं, उसके पश्चात किसी को भी हम रेकी सिखा भी सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कतई नहीं होता कि ग्रैंड मास्टर कोई बनता है तो उसके अंदर बहुत अच्छी रेकी आ गई, बहुत ज़्यादा पावरफुल रेकी, और जो नॉर्मल बंदा होता है उसके अंदर पावरफुल रेकी नहीं होती है, ऐसा नहीं। हाँ, इसके अंदर भेद ज़रूर होता है कि जो हीलर खुद पॉजिटिव होता है, लोगों को पॉजिटिव बना देता है, लोगों की साइकोलॉजी जिसको मालूम है वो हमें महसूस ज़रूर होता है कि वो ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन पावर रेकी के अंदर नहीं, पावर उनकी पर्सनैलिटी में, उनके व्यक्तिगत गुणों के अंदर होती है। इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चिन्हों की हम बात कर रहे थे, चिन्ह अलग अलग प्रकार के चिन्ह जो बताए गए हैं, चिन्ह के अंदर किसी प्रकार की कोई ताकत, कोई दैवी शक्ति नहीं होती है, क्योंकि चिन्ह ये एक केमिकल प्रक्रिया से बनाई गई, दिखाई गई चीज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में हाथी के मुख का चित्र किसी ने अपने हाथों से अगर कुछ रेखाएं अंकित की हुई है, हाथी का सिर्फ चेहरा, और वो सड़क पर अगर वो कागज गिरा हुआ है तो शायद हिंदुस्तानी बंदा उसके ऊपर पैर नहीं रखेगा, उसको लगेगा कि शायद ये गणेश जी का चित्र है, क्योंकि उसकी भावना, उसकी धार्मिक भावनाओं को अन्यथा ठेस पहुंचेगी। लेकिन यही चित्र अगर जापान में गिरा हुआ है तो जापानी बंदा शायद उसके ऊपर पैर देकर चला भी जाएगा, उसको सिर्फ वो हाथी का मुख मालूम होगा, उसको गणेश जी उसके अंदर दिखाई नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उसको वैसे संस्कार नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि उनकी पवित्र चीजें, चाहे चाइना का ड्रैगन होगा, चाहे जापान का ड्रैगन होगा, इनकी पवित्र चीजें वो अगर रेखांकित की हुई है, एक्चुअल चित्र नहीं लेकिन रेखांकित अगर की हुई है, और वो चित्र जापान में या चाइना में अगर कहीं सड़क पर गिरा हुआ है तो शायद चाइनीज बंदा या जापानीज बंदा उसके ऊपर पैर नहीं रखेगा। लेकिन हिंदुस्तान में अगर ड्रैगन का चित्र गिरा हुआ है, नीचे पड़ा हुआ है, तो शायद लोग उसके ऊपर पैर भी देंगे, क्योंकि हमारे दिल में ड्रैगन के प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ना हमारे उस प्रकार के संस्कार हैं। कहने का मतलब ये है, जो मुद्दा मैं यहाँ पर प्रकट करना चाहता हूँ, जिसके ऊपर मैं रोशनी डालना चाहता हूँ, वो यही है कि उस चित्र के अंदर किसी प्रकार की कोई दैवी शक्ति नहीं है। दैवी शक्ति है या नहीं है ऐसा हमारा दिमाग सोचता है। अगर मैंने ओम निकाला तो मुझको ऐसा लगता है कि ओम के अंदर शक्ति है, लेकिन जो बंदा ओमकार के बारे में नहीं जानता है वो बोलता है कि इसके अंदर शक्ति नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है, उस बंदे के लिए वो शक्ति नहीं है। उसी प्रकार से चिन्ह जो है, वो चिन्ह जापानी भाषा में आपने कुछ अंकित किया हुआ है, लेकिन ये अंकित करने के बाद में, चिन्हों को निकालने के बाद में, चिन्ह के अंदर किसी प्रकार की कोई दैवी शक्ति नहीं 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 आती है। मेरे ख्याल से ये विश्लेषण बुद्धिवादी लोगों को जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।